राम राम जी, इतनी स्वागत है हमारे राम राम फैमिली जी। ब्लॉग में आप सबका। और देखिए ये भयानक लग रहे होंगे, ये कह रहे मेरी वीडियो मत बनाओ। तो फ्रेंड आज है हमारे घर के सबसे बड़े बेटे का बर्थडे। तेरे बेटे इनके बेटे का हम बेटा तो है ही है ना, वो बड़े बेटे मेरे सबसे बड़े बेटे इस घर के बड़े बेटे। एक राघव है और एक वही है, दो है बेटे। अच्छा बड़े बेटे वही है। अच्छा मतलब हम तीनों चलो ऐसे हैं। तुम छटके छटके हो, तुम छोटे में गिनती आते हो। सबसे बड़ा राघव और राघव छोटे में राघव है बेटे। हाँ हम घर में नहीं रहेंगे, निकल जाओ बोरे उसका बात नहीं है। तो आज जीजा का चक्कर हंस लिए, गुस्सा तो मुझे पता है लेकिन हंस तो लिए। मस्तानी भी बैठी पड़ी है, देख रहे हो कैसे ऐसे मस्तानी कहते हैं हम। कभी मस्तानी और कभी आसमानी आसमानी। और एक नाम तो भूल गई नहीं तो नाम है बुलबुल का बच्चा। हमारे अगलो ये बैठी क्या बोला तूने? है मम्मी ये हमारी बुलबुल। तो फ्रेंड आज छोटी मोटी पार्टी दिख सकती है आपको घर में। चला सुन है, अरे बात आपस में कर लो, तुम बात मैं रहने दूं ब्लॉग मनाने को। ये मस्तानी गुस्सा भाई पड़ी है, अरे मस्तानी को मनाने पड़ रहे हैं। अब बाल मना लिये, मस्तानी को बाद में मना लिये, पहले बता बाद में कर लीजिए मना लो। मस्तानी भी बैठी है डटी ऐसी ना, वो मनी मनाई है। हाँ और मानिए मत जल्दी सर, जो मान गई तो कसम ले लूंगा। आधे का शाम को फिर छोड़ पक्की बात है। मस्तानी देख ले दूध और जूस। अब तुम्हें ले लिया ना मंगवाई कुछ तो? नहीं है मम्मी तो ना आसमानी मम्मी तुम्हें एक मिसाल दे रही हूँ। तुम देखो मैं भालू कोई तो कह रही हूँ तो तुम डांट ले सकती हो। बड़ी खुश हो रही हूँ पामने के बाद। हम तो तुमसे बोला मैंने अपने पीठ को चक्कर में बना के आगे उठा के गिला। मसाज भेज थोड़ी सी पैर भी ला दे मैं तो। फ्रेंड जैसे कि पता है कि आज इनका बर्थडे है, आपको पता चली गया होगा इंस्टाग्राम जो हमारी देखता है स्टोरी वगैरह लगा रखे। आज इनका बर्थडे है तो अब हो रही है बर्थडे की तैयारी, अभी हो नहीं रही, होनी शुरू हो रही है, शुरुआत कर रहे हैं। तो सब्जी वब्जी तो आ गई है बनने के लिए। तो सुबह मेरी भाभी का फोन आया था कि हम आएंगे, तो शायद पक्का अभी उनका पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम मैंने सोचा चलो इतने वो मेरा भाई ना ड्यूटी गया हुआ है, अगर भाई ड्यूटी से जल्दी आ गया तो आ जाएंगे। तो अभी उनका पक्का नहीं पता तो अब मैं कर रही हूँ तैयारी। ये ड्यूटी से आ चुके हैं और ये थक गए क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज और ये पूरे गीले हो गए थे तो इनकी तबीयत सी खराब हो रही थी, ये सोए पड़े। आपको कराटे की भी आवाज आ रही होगी। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ छोटा मोटा कुछ सामान लेने, जैसे कि प्याज खत्म हो गई है, टमाटर पूजा ले आई थी ना तो टमाटर वगैरह है, प्याज लहसुन और दही ये सब चीजें लेने जा रही हूँ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और हमारा पूरा ब्लॉग देखना, पूरे ब्लॉग में बने रहना। तो चलिए मैं जाती हूँ बीबी के साथ, बीबी मतलब प्रिया की मम्मी, इनके साथ जा रही हूँ। लाइट बंद कर दूँ, बहुत बिल आता है। और पूजा सोई पड़ी है अभी, देख सकते हो उसका दरवाजा नहीं है, सब आराम कर रहे हैं। नीचे प्रिया सो रही है और मैं जा रही हूँ, मैं नहाई हूँ अभी अभी नहाऊंगा, मैं सुबह नहीं नहाई मैं रही मेरे साथ में। प्रिया बोल के आवाज आ रही थी मुझे, प्रिया प्रिया मम्मी का। एंड देखिए मैं मम्मी को लेके आ चुकी हूँ। अगर मम्मी तुम चलो, मैं अकेले नहीं जाती कभी बाहर, अकेले कोई डर तो नहीं है लेकिन मेरा कोई अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, और बाहर का काम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और धूप हो चुकी है बहुत, अभी बारिश हुई थी तो अब देखो धूप, बारिश ना हो नहाए ना बारिश। हाँ पूजा और प्रिया नहाए थे अभी, हाँ और देखा धूप कितनी तेज हो गई है। चलिए
ये फ्रेंड रानी लेके आई थी सामान, तो हमने खाना बनाना चालू बहुत देर का कर रखा था, टाइम नहीं मिला था कि हम दिखाएं आपको कुछ, किचन में इतना वो हो गया था बस, मतलब रसी हो गया मतलब इतना काम। तो मैंने बनाया चिकन बिरयानी, देख सकते हो बड़ी टेस्टी वाली बनी है, हमारी जिज्जी को चखाई मैंने, जिज्जी बहुत अच्छी देखा। और उधर बनना कोरमा, मेरे मास्टर शेफ है मेरी रानी जीजी, अब चाहे वो माने ना माने, पूजा तेरी। मैं प्रिया को सिखा रही थी, अरे मैं प्रिया को सिखा रही थी, मैं प्रिया सिखा रही थी ना तुझे, तो प्रिया को मैं बता रही थी, मैं प्रिया ऐसे ऐसे बनाई हो, तो देखो एक दूसरे से सीखते हैं, और मास्टर शेफ मैं प्रिया की बनने वाली हूँ आजकल, है ना प्रिया। हाँ तो प्रिया तो रेडी हो गई है, अब हम भी हो जाते हैं थोड़ा बहुत, पहले की बात ऐसे ही चल दूंगी मैं तो, सही है हम जो पागल हैं जब क्या पागल तो क्या मैं से बजाते तुम्हारे क्या हुआ मैंने। देखिए जी रिश्तेदार भी आ गए हैं, रिश्तेदार भी आ गए, और ये सबसे बड़ी रिश्तेदार, ये हमारी तमन्ना भी आ चुकी है, ये दूध भी रही है, और भाभी बैठी है सब, केक की तैयारी, केक की तैयारी है, टेबल पे कपड़ा पड़ा बिछ चुका है, तो राघव गया बच्चों को बुलाने, हाँ बुला रहे हैं बहुत बड़ा दिन भी कह रही है, चलो केक तो घर में कटना है, काट लेंगे आराम से, घूमे आए ऐसे करता केक काट लेते हैं, जैसे खाना पहले खाना खा लो, बर्थडे मैं ना करूँ कुछ भी काम, आई एम बर्थडे बॉय। यही नहीं अभी और सुनिए, आज तक ये सारे काम इन्होंने करे हूँ, जब तक ड्यूटी से आया बस सो रहे, मैं पैदा हो गया कितना बड़ा काम है, मेरा भूसा निकल गई है, बता निकाल इस काम का मुकाबला, तू भी आएगा मेरे पीछे पीछे तुझे बुलाया थोड़ी, अच्छा हम पीछे को देख रहे हैं, चप्पल देखो भाई साहब, इसी साथ मैं भी चल रहा हूँ, चलो तुम लगाओ बुलाओ लो, चलो बाल के भी आ गए हमारे, तू काम दे वैसे निकालेंगे, वो गंदे हाथ लग जाते हैं ना बच्चों के, चलो ये रहने दो, दूसरा ये हमारा केक आ चुका है, और इस पे लिखा है राघव, राघव ने बन दिया है मतलब ये केक पापा राघव, तो मुझे तुम्हारे ऐसे हाथ से अनार तुम इंटेलिजेंट, क्या हुआ क्या बात है, मैंने दो तोड़ के लगाई थी, पहले मेरे नाम लिख दिया था गलती से, पापा लिख दिया था, फिर मैंने कहा राघव लिख दिया, समझ गया गलती से एडजस्ट करवा दिया मैंने, पहला बता दो, चलो यहाँ पे हो गई है तैयारी केक इसे इधर कटने की, अरे एक जिंदगी का मेरा और साल का हो रहा, मम्मी तो कौन सा ऐसे क्यों बोल रहे हो, पड़ेगा पत्तल का पत्तल तो मंगा लो, वो मिल गया पचानवे से, जलवा दो इसे माचिस, बुला ले फिर मुझे नखरे गिर जाते हैं टपक टपक के धरती पर, किनके दोनों पल्ले को मारा कौन है, माचिस लिया कौन है, पापा के बच्चे जाना, हाँ आपको हटना, हाँ सुननी रे सुननी रे, आज ना बताई टी शर्ट गिफ्ट में दी है, सुन लो सब ये मेरे को इसने हो गया वो काम नहीं, अभी लाइव है बनानी है, पापा राघव लिखा है, पापा राघव नहीं पाप राघव के पापा, ये लिख रखा है पापा राघव, ये आज आगे राघव बोल रहा था किसे पापा, हमने पहले पापा कर दिया, राघव पापा होता है ना, अरे चलो थोड़े बढ़िया है, तुम्हें अलग से नोता देना पड़ेगा, नहीं मैंने हमने बोला बुआ को और उसको अनन्या को और पापा को बुला, हाँ
इधर आ जाओ सारे, इधर आ जाओ, दे दे मैं ही आ पा रही थी ब्लॉग में, कितने ब्लॉग बना रही हूँ, मैं सोची के चलो लाइट जलाए ना, सब काले काले दिख रहे हैं। मैं तो ही काला है, सभी काले हैं, कोरो को कितना वो कह रही है, मुझे भी लो वीडियो में, मुझे भी ले रहे, मुझे भी ले रहे, तुम देखते देखो वो कह रही है मतलब मिला आती रोवे मेरी लाड, आती रोवे। देखे जी ये हमारी तमन्ना पहली बार हमारे घर आई है, इसका भी एक ब्लॉग डलेगा, वो आप जरूर देखना, हमारी तमन्ना का भी ब्लॉग डलेगा। रुक जा यार, हमारा रागम ना बिल्कुल ऐसा ही था, इसका बचपन रागम का परी, इसको तमन्ना को देखकर रागम भी याद आया, रागम दिखा अपना फेस, देखो इधर और इधर देखो, कमेंट में जरूर बताना कितना फेस मिला, सारे का मिला ना, लेना ऐसे हाथ लगा नीचे, ऐसे ऐसा बंद कर दो, ऐसे तेज कर दो, फिर गर्मी लग रही है, भाभी कह रही है ठंडा हो रहा है, इंगे आ जा, यूके हो रहा बनाओ दिखा रही है तुझे, मेरी मेरी मम्मी बैठी है, कोई खाएगा तो थोड़ा पीछे पीछे हो, थोड़ा बनाओ, मैं ये कह रहा हूँ कुर्सी हटा दो, लाइट पर होम थिएटर तो चला देते हैं जी, होम थिएटर तो सब बनी थे, तुम टोपी ना लाए अपने लिए, कोई बात स्पीकर तो चला देते, चलो अपने अपने फोन में चला लेना, कम आवाज में चलाना, सुनो सुनो, थ्री टू वन, जन्मदिन है तीन अकेले ये वाली वीडियो अकेले बनाओ, आस पास मैं कोई नहीं करो, मैं तुम नहीं बैठ, ये पहले घुसता जबरदस्त, इनको ले लो तो ना को, इनको ले लो तो ना को, जा जा जल्दी जा, जा जा जल्दी, यार तो भैया चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, मैं भी नाम ले रही थी, हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा अरे बनाओ बनाओ, कैमरा
अरे गाने चला लो चलाओ चला दो मम्मी जा के जी खाना चल रहा है और मजा आ रहा है आज के खाने में इनको और रानी और प्रिया अभी फोन करता था रानी और प्रिया बना रही है पूड़ी बन चुकी है पूड़ी है भाभी के लिए भाभी के भाई के लिए पूड़ी बन रहे हैं आ रही हूँ ये देखो है? तू उससे दूर क्यों नहीं रहता चुपका चुपक रहा उससे है तू चुप हो गई कोई भी ला रहा है रानी जल्दी बर्तन भी धो रही है पूरी बनाने के बाद और मैंने सबको खाना दिया सब खाना खा रहे हैं बस भाई और जीजा रह गए हैं अभी और हम तीनों रह रहे हैं और हमारी बीबी शर्मा है हमारी बीबी शर्मा मैं कह रही मोहत शर्मा है अनविन के सामने तो उन्होंने खाया ना वो यहाँ आके बैठ गई हैं तो कह रही खाऊंगी खाना वाना खा के ऊपर घूम के आए मुहार धोए तो अब भाभी और भाई रुक गए मेरे तमन्ना भी रुकी हुई है देखो वो अपने पापा की झूला झूल रही है और ऐसे ही घुस रहे थे अभी बड़ी देर तक रो रही थी तो एक मन से कैसे चुप हो गई इस ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो हमारी कैसी लगी इसे सब्जी बड़ी मैं ऐड कर रही हूँ ब्लॉग को और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ब्लॉग और कमेंट में जरूर बताना और हमें बहुत अच्छा लगा और आपको कैसा लगा जरूर तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में लाइक सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और इंस्टाग्राम वाले यूट्यूब पे फॉलो कर ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो शेयर करना बाय बाय गुड नाइट मजा आया।